हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे मनीगाछी के नेहरा हाई स्कूल मैदान, आयोजित जनसभा में दरभंगा ग्रामीण सीट से लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी प्रदीप ठाकुर के लिए मांगे वोट। चिराग पासवान ने ऐलान करते हुए कहा कि यदि वे सरकार में आते हैं तो नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना की पूरी जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा चाहे वह किसी भी बड़े पद पर क्यों न हो उसे जेल भेजकर रहेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि सात निश्चय योजना भ्रष्टाचार और लूट की सबसे बड़ी योजना है और इस लूट में बड़े अधिकारी और विधायक मंत्री तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लागू होगा। चिराग पासवान ने प्रदीप ठाकुर को वोट देकर विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री हैं, लोगों को इतना जात पात में उन्होंने बांट दिया जो आज तक किसी ने नहीं बांटा था। लोजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। लोजपा प्रत्याशी प्रदीप ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि आजकल सामान्यतया चुनावी रैली में भीड़ नहीं होती है, मुख्यमंत्री नीतीश की सभा में भी बलोर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, पर आज चिराग की सभा में जो भीड़ उमड़ी है वह स्पष्ट तौर पर परिवर्तन का संकेत दे रही है। इस दौरान लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी, प्रदीप गुप्ता, सौरभ पांडे, जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा, रमाकांत पासवान, रूबी झा, शकील नोमानी, निसार अहमद, रमेश चौधरी समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। जी क्या बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री को? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सर हम तो इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? बन गई नहीं बनी? नहीं बनी? नहीं बनी? अरे पर मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि बन गई नली गली। झूठ बोले नीतीश कुमार जी, झूठ बोले मेरे प्रधानमंत्री से, झूठ बोले। अच्छा चलिए, हर घर में नल का जल तो आ गया ना, नल का जल भी नहीं आया? हाँ चाची नहीं आया घर में पानी? अच्छा क्यों झूठ बोले प्रधानमंत्री जी से, झूठ बोले? अच्छा चलिए, कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना सात निश्चय में? भ्रष्टाचार भी हुआ सात निश्चय में? भ्रष्टाचार हुआ? आप लोगों को पता भ्रष्टाचार हुआ? किसने किया भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। आप लोगों को लगता है नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार? किसने लगता है? हाथ मेरे किसने लगता है? सबको लगता है चाची, आप लोगों को भी लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ? तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया तो उनको कहां भेजना चाहिए भैया? जेल भेज देना चाहिए मुख्यमंत्री को, जेल भेज देना चाहिए। तो चलिए आज ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी उसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लागू होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री की जांच करवाई जाएगी और जांच करवा के जेल भेजने का काम किया जाएगा। देखिए आज की जो भीड़ थी, चुनावी रैली में प्रायः भीड़ नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी बलौर में आए थे तो लोग कहते हैं सारी कुर्सियां खाली रह गई और 500 की भीड़ वहां नहीं थी, लेकिन आज जो यहां भीड़ थी अपार भीड़ थी और ये भीड़ बता रही थी कि इस विधानसभा का नतीजा क्या होने वाला है। और चिराग पासवान जी ने जितनी बातें कही वो आम बातें हैं, आम बातें हैं और आम लोगों के जीवन में गुजरती हैं, कोई नई बातें नहीं हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, सबों को साथ मिलकर चलने की बात की, जात धर्म समाप्त करने की बात की, तो बहुत अच्छा संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने आज यहाँ दिया है।